subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का अगला टॉपिक इवान पावलोव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रूस के एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया है कुत्ते पर। इनका प्रथम सोपान है उत्तेजना, और यह क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार आ चुका है कि इवान पावलोव का प्रथम सोपान क्या है। तो प्रथम सोपान उत्तेजना है। इनका ट्रिक है, देखिए, कंडीशनिंग। इनके कोई भी सिद्धांत में अंग्रेजी नाम में देखेंगे तो कंडीशनिंग जरूर रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग दो चीज़ जान लेते हैं कि देखिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक, देखिए, ऐसा उद्दीपक जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुत्ते के लिए भोजन जो है क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि कुत्ते को क्या लगा है, भूख लगा है। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ता भोजन को देखकर क्या करेगा, लार टपकाएगा, और लार टपकना ही क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कैसी अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। तो एक बार फिर से आप ध्यान से सुनेंगे कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है। जैसे आप यूपी टेट की तैयारी, आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर की नौकरी जो है आपके लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, और स्वाभाविक उद्दीपक के लिए आप स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहे हैं, अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं, तो वही आपका जो है स्वाभाविक अनुक्रिया है। कोई भी व्यक्ति होगा वो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति क्या करेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। ठीक है, दूसरा होगा अस्वाभाविक उद्दीपक। क्या होगा, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कोई भी अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, क्या करेगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। और यहाँ पे कुत्ते के लिए घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, और घंटी जब बजेगी तो कुत्ते का लार जो है क्या होगा, नहीं टपकेगा। अर्थात कोई भी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया करता है, भैया जब कुत्ते को घंटी की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तो लगा है भूख और उसको चाहिए भोजन, और भोजन है क्या, स्वाभाविक उद्दीपक, तो वह लार टपकाएगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया। लेकिन आप उसको घंटी बजा रहे हैं तो घंटी उसके लिए क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो वह क्रिया भी कैसा करेगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, अर्थात लार टपकाएगा नहीं। तो चार चीज़ आपको स्पष्ट रहना चाहिए, एक स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया पता रहना चाहिए। उसके बाद अब इनके सिद्धांत को आप समझेंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, इनका पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, और हमने ट्रिक में बताया है कंडीशनिंग जरूर आएगा। तो इंग्लिश वाला देखेंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो कंडीशनिंग आ गया, तुरंत आप मार देंगे किसका है, पावलोव का। लेकिन इस सिद्धांत को समझना भी जरूरी है कि शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत जो है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, अर्थात पावलोव का जो शास्त्रीय प्रयोग है वह किस पर हुआ है, कुत्ते पर हुआ है। और कुत्ते की जो लार ग्रंथियां होती हैं उसका इन्होंने ऑपरेशन करके उसी में एक नली लगा दी, जो एक बीकर में जाके क्या होता है, गिरता है, एक बीकर में जाके क्या करता है, गिरता है। ठीक है, तो अब ये बीकर में जाके गिरता है तो इन्होंने तीन स्थितियां बताई हैं। एक बताया है अनुकूलन के पहले की स्थिति, दूसरा इन्होंने बताया है अनुकूलन के मध्य की स्थिति, और तीसरा इन्होंने बताया है अनुकूलन के बाद की स्थिति। तो इन तीनों को सबसे पहले इस तरीके से देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फिगर के माध्यम से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब तक अनुकूलित नहीं हुआ था कुत्ता, तो अनुकूलन के पहले की स्थिति क्या होगी, अनुकूलन के पहले की स्थिति में एक बार जो है कुत्ते के सामने केवल क्या लाया जाता है, भोजन लाया जाता है, तो कुत्ते का लार टपकना क्या होता है, शुरू हो जाता है। अर्थात भोजन को आप क्या कहेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। अर्थात कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक जब प्रस्तुत किया जाता है तो अनुक्रिया भी कैसी होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, अर्थात लार टपकना शुरू हो जाता है। स्पष्ट है, दूसरी बार केवल घंटी प्रस्तुत किया गया, तो जब घंटी प्रस्तुत किया गया, घंटी बजाया गया, तो नो रिस्पांस, कोई भी अनुक्रिया नहीं होती, अर्थात लार नहीं टपकता। कह सकते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपक, अर्थात ऐसा उद्दीपक जिसको कुत्ते की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए वह अनुक्रिया भी कैसा करेगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। ठीक है, क्योंकि कुत्ते को घंटी की आवश्यकता नहीं, हाँ ये हो सकता है कि उसके कान खड़े हो जाएं, चौंक जाए, लेकिन अनुक्रिया कैसी रहेगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया रहेगी, लार यहाँ पे नहीं टपकेगा। ये है अनुकूलन के पहले की स्थिति, केवल भोजन दिखाएंगे तो लार टपकेगा, केवल घंटी दिखाएंगे तो लार नहीं टपकेगा। अर्थात अगर स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगा, अगर अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे तो अस्वाभाविक अनुक्रिया होगा।
उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन है अनुकूलन के मध्य की स्थिति। तो अनुकूलन के मध्य की स्थिति में क्या कर रहे हैं पावलाव, भोजन और घंटी दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब भैया घंटी से इसको कोई मतलब नहीं लेकिन भोजन से तो है, तो लार क्या होगा, टपकेगा। अर्थात भोजन और घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत करने पर जो है लार क्या होगा, टपकेगा। अब यहाँ पे देखिए घंटी ज्यों बजाते हैं त्यों भोजन उसके सामने आ जाता है। घंटी बजी भोजन आया, घंटी बजी भोजन आया, घंटी बजी भोजन आया, घंटी बजी भोजन आया, घंटी बजी भोजन आया। यही क्रिया इतनी बार दोहरा देते हैं कि कुत्ते को लगता है कि घंटी बजेगी तभी भोजन आएगा। उसको क्या लगता है, घंटी बजेगी तभी भोजन आएगा। अर्थात कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा समय तक स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो किसी व्यक्ति की अनुक्रिया जो हो जाती है कैसी, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है, क्योंकि उसको लगेगा घंटी बजेगा भोजन आएगा। अर्थात यही प्रक्रिया जब कई बार दोहराया जाएगा तो उसको लगेगा कि घंटी व खाने के बीच जरूर कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई अनुबंधन है, कोई न कोई साहचर्य है। ठीक, तो भोजन और घंटी बजाने पर लार क्या होगा, टपकेगा। उसके बाद तीसरी स्थिति ऐसी आ जाएगी अनुकूलन के बाद की स्थिति। अब तो आप कुत्ते को बहका चुके हैं, घंटी बजा भोजन आया, घंटी बजा भोजन आया, तो कुत्ते के सामने केवल घंटी बजा दीजिए भोजन मत लाइए। पहले देखिए एकदम पहले कंडीशन में घंटी बजता था तो लार नहीं टपकता था, लेकिन यहाँ पे घंटी बजने के बाद उसको लगेगा भोजन आएगा और लार टपकना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कैसी अनुक्रिया कर रहा है, स्वाभाविक उद्दीपक इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सोच रहा है कि भोजन अभी आएगा। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे इस फिगर के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो पहला और दूसरा फिगर है या पहली जो कंडीशन है अनुकूलन के पहले की स्थिति को दर्शाता है, और तीसरा फिगर जो है अनुकूलन के मध्य की स्थिति दर्शाता है, और चौथा फिगर जो है अनुकूलन के बाद की स्थिति को दर्शा रहा है। पहला देखिए, सबसे पहले हमने अनुकूलन के पहले की स्थिति में क्या किया, सबसे पहले हम कुत्ते के सामने क्या लाए, भोजन लाए, और भोजन लाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, लार टपक रहा है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक लाए उसके सामने तो कैसी अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे कंडीशन में हमने केवल क्या लाया, मतलब अनुकूलन के पहले स्थिति में ही दूसरी बार हमने केवल उसके सामने घंटी बजाई तो क्या लार टपक रहा है, नहीं। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक हमने प्रस्तुत किया जिसको कुत्ते की आवश्यकता ही नहीं है, तो अनुक्रिया भी कैसी हुई, अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई, अर्थात लार नहीं टपका। उसके बाद हम लोग आ गए तीन नंबर पे, मतलब अनुकूलन के मध्य की स्थिति पे। तो अनुकूलन के मध्य की स्थिति में हमने आपको बताया था कि भोजन और घंटी दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। घंटी बजी भोजन आया, घंटी बजी भोजन आया, अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को हम जब एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं तो अनुक्रिया भी कैसी हो रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, अर्थात लार क्या हो रहा है, टपक रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए अंतिम जो अनुकूलन के बाद की स्थिति है उसमें हम केवल और केवल क्या प्रस्तुत करना है, केवल और केवल घंटी प्रस्तुत कर रहे हैं, तब भी लार क्या हो रहा है, टपक रहा है, क्योंकि उसको यहाँ से आभास हो जाएगा कि घंटी बजेगी तो भोजन आएगा, लेकिन यहाँ पे हम बहका दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं लेकिन भोजन नहीं ला रहे हैं, तब भी लार क्या हो रहा है, टपक रहा है। तो यही शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत है जिसे पावलाव ने दिया। उन्होंने कहा कि पहले घंटी बजाया तो कोई रिस्पांस नहीं, लेकिन बाद में हम बहका देंगे जब तो घंटी बजाएंगे तो लार टपकेगा। अर्थात यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन और घंटी को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कैसी अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। जैसे आप किसी मजदूर को पहले दिन आए काम करे उसे 100 रुपया दे दीजिए तो उसका 100 रुपया स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। दूसरे दिन आया दूसरे दिन भी 100 रुपया दे दीजिए काम करने के बाद, तीसरे दिन आया तीसरे दिन भी 100 रुपया दे दीजिए, फिर चौथे दिन पहले से ही मूड बनाए रहिए कि इसको पैसा हम नहीं देंगे, तो क्या बताइए वह स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे अब अस्वाभाविक जो है उद्दीपक आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप पैसा इसको नहीं देंगे आज, मूड बनाए हैं, लेकिन यह अनुक्रिया पूरे दिन भर ये काम करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको आदत बन गई है कि हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और यहाँ पे हमने काम करवा लिया यानी स्वाभाविक अनुक्रिया वह कर दिया, लेकिन हमने क्या प्रस्तुत किया, अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसी सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या CR थ्योरी यानी कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। इसी को कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, सबका मतलब नाम जो है कंडीशनिंग रिस्पांस ही है। इसके बाद इसी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको एशियंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशनिंग आ रहा है। उसी तरीके से अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, तो अनुकूलित को फिर कंडीशनेड आ गया तो इससे भी पकड़ लेंगे, और इसे रिफ्लेक्स। ठीक है, अब देखिए प्रत्यावर्तन का मतलब है एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। जैसे आप भोजन और घंटी को बार बार जो है इसी क्रिया को बहुत ज़्यादा समय के लिए दोहराए तो कुत्ते के सामने केवल घंटी प्रस्तुत किए तो लार टपकना क्या होगा, शुरू हो गया। लेकिन
अगर यही घंटी वाली प्रक्रिया बहुत समय के लिए अगर दोहराएंगे तो फिर लार टपकना भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसी को अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे कुत्ते को क्या कर दिया है, अनुकूलित कर दिया है। अनुकूलन के बाद की स्थिति है, जब आप बार बार एक ही क्रिया करके कुत्ते को अनुकूलित कर दिए हैं तभी यहाँ पे घंटी बजाने पे क्या हो रहा है, लार टपक रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए संपूर्ण प्रक्रिया में यह एक बात महत्वपूर्ण है कि भोजन रूपी उत्तेजक, देखिए हम अपना प्रथम सोपान क्या पढ़े थे, उत्तेजक पढ़े थे, तो उत्तेजना तो भोजन से भी आता है और यहाँ पे उत्तेजना घंटी से भी आती है। इसीलिए प्रथम सोपान इनका क्या था, इनका प्रथम सोपान ही उत्तेजना था। अगर घंटी बजाएंगे तो उसके कान वन खड़े हो जाते थे, ठीक, उत्तेजित हो जाता था, और भोजन भी आता था तो लार टपकने लगता था, तो कहाँ वहाँ पर भी उत्तेजना ही होती थी। अर्थात भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में अनुकूल स्थापित हो गया। संपूर्ण प्रक्रिया में यह बात महत्वपूर्ण है कि भोजन रूपी उत्तेजक और घंटी रूपी उत्तेजक में अनुकूलन स्थापित हो गया, यही अधिगम है जिसे पावलाव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया। और आज के मनोवैज्ञानिक ने पावलाव के इस अनुकूलित प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन की संज्ञा दी। ठीक है, तो इस तरीके से यह पूरा टॉपिक आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।